फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में रोज की तरह। कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो बहुत काम का होने वाला है आपका, तो वीडियो छोड़ के ना जाइए। तो हम बात करेंगे आज भारत में जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं, इसमें सभी, जिसमें बात कर रहा हूँ मुंबई की, दिल्ली की, हैदराबाद की और बेंगलुरु की, ये सब जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और उसमें बताएंगे कि ये सब जितने भी बड़े मतलब एयरपोर्ट है, इस पर क्वारंटाइन के क्या नियम अभी लागू हुए हैं, इसी के बारे में मैं बताऊँगा। तो अगर ये सब बड़े, अगर बड़े इसमें जाना चाहते हो, एयरपोर्ट पर जाने का प्लानिंग है, तो आपको ये जानना वीडियो में बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी पैसे आपको पे नहीं करने पड़ते हैं दोस्तों। तो चलिए पूरा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इस समय दुनिया के किसी भी देश से यदि आप भारत में दोस्तों ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो उसके सबसे पहले आपका सवाल है कि कौन से एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन के किस तरीके का नियम है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो चलिए एक एक करके भारत के सभी एयरपोर्ट के क्वारंटाइन के नियम की जानकारी ले लेते हैं। तो मुंबई एयर की बात करता हूँ, मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन के क्या नियम है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो मुंबई एयरपोर्ट पर यदि कोई भी पैसेंजर से गल्फ देश से, यूरोपियन देश से, यूके या फिर साउथ अफ्रीका से ट्रेवल करके आते हैं, तो ऐसे सभी पैसेंजर को कंपलसरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके अलावा यदि आप दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ट्रेवल करके आते हैं, तो एयरपोर्ट पर आपका केवल 14 दिन का होम क्वारंटाइन है और आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कोरोना का जाँच कराना आपको ज़रूरी रहेगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही आप घर जा सकेंगे। अब चलिए आपको बता देता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट की बात, मैं बता देता हूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन के क्या नियम हैं। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल और केवल यूके से आने वाले पैसेंजर का कंपलसरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश में आने पर आपको कंपलसरी 14 दिन का होम क्वारंटाइन दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं होगा यहाँ पर आपको, लेकिन कोरोना का जांच कराना ज़रूरी होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही आप घर जा सकेंगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे और हैदराबाद एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन के क्या नियम है, चलिए इसके बारे में भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट पे यदि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर ट्रैवल करके आता है, तो किसी भी पैसेंजर का किसी भी देश से आने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, सभी पैसेंजर को कंपलसरी 14 दिन का होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके अलावा पैसेंजर को कोरोना का जांच कराना ज़रूरी रहेगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अपने घर जा सकेंगे। तो अब आगे ये भी बात कर लेते हैं, क्या क्वारंटाइन से छूट मिल सकती है, क्या आप घर जाना चाहते हैं बिना क्वारंटाइन के, तो क्या आप जा सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि आप क्वारंटाइन से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्रैवल से 3 दिन पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाके क्वारंटाइन एग्जेम्पशन फॉर्म को भर सकते हैं। यदि एयरपोर्ट अधिकारियों को लगा कि आपको एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए, तो हो सकता है कि आपको क्वारंटाइन से छूट मिल जाए, लेकिन इसके लिए आपको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना भी ज़रूरी रहेगा। कई हालातों में ऐसा भी देखा गया है कि यूके से आने वाले पैसेंजर को किसी भी हालात में क्वारंटाइन से एग्जेम्पशन नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसे हैं अपडेट्स आपको बताना जरूर था। अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो ये आपको देख लीजिएगा क्वारंटाइन से ऐसा कुछ नियम जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू।